हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन प्लस 12 के बारे में। वन प्लस 12 चाइना में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, एंड अभी रिसेंटली आईकू 12 भी लॉन्च हो चुका है, वन प्लस 12 भी आने ही वाला है। तो यार सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पे 6.8 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, क्योंकि 1Hz से 120Hz तक रिफ्रेश होगा। ये भी एक LTPO डिस्प्ले है। इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है और इसकी ब्राइटनेस मतलब वन प्लस 11 से डबल हो चुकी है। तो इस बार डिस्प्ले के मामले में बहुत अच्छा है, और इसकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है, तो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया है। डिस्प्ले में हमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, HDR 10 प्लस भी है, और स्टीरियो स्पीकर्स भी इसके काफी अच्छे हैं। अभी बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पे मिलता है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3, 4 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ प्रोसेसर। बहुत अच्छा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जैसे कि अभी परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे अभी वन प्लस 12 चाइना में लॉन्च हुआ है, तो उसके अभी बेस वेरियंट है 12GB RAM, 256GB स्टोरेज का, 16GB RAM, 512GB की स्टोरेज है, 24GB RAM और 1TB की स्टोरेज है। 24GB RAM मतलब बहुत ज्यादा क्रेजी है, लेकिन शायद से इंडिया में 24GB RAM का नहीं आएगा, 16512 का टॉप वेरिएंट होगा, 12256 का बेस वेरिएंट होगा। लेटेस्ट RAM टाइप है LPDDR5X, जो कि काफी बढ़िया है, एंड इसकी स्टोरेज टाइप है UFS 4.0। अब बात करते हैं बैटरी की। यहाँ पे वन प्लस में मिलती है 5400 mAh की बैटरी, जो कि काफी ज्यादा है। बैटरी ज्यादा होने की वजह से फोन भी काफी ज्यादा हेवी हो गया है। अभी फोन है 223 grams का, जो कि काफी ज्यादा एक हेवियर साइड आता है, पर अगर केस भी लगा लिया तो फोन थोड़ा सा और हेवी हो जाएगा। तो अगर आपको हेवी फोन पसंद है तो आप वन प्लस के लिए रुक सकते हो, क्योंकि अभी आईकू 12 भी लॉन्च हो चुका है, वो भी काफी अच्छा डिवाइस है। तो यहाँ पे हमें 100 वॉट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, जो कि वायरलेस चार्जिंग अगर कोई यूज करता है तो उसके लिए तो काफी अच्छी चीज है। वन प्लस में एक और फीचर है जो कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का, जो कि 10 वॉट की मिलती है। अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच वगैरह है तो आप उसको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हो। आजकल गेमिंग तो सभी करते हैं फोन पे, और यहाँ पे सबसे बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर मिलता है, जो कि 9000 mm² का है, जो कि आज तक का फोन में सबसे बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर है। तो इसके थर्मल्स भी काफी अच्छे होंगे। अभी तो इंडिया में फोन लॉन्च नहीं हुआ है, अभी चाइना में लॉन्च हुआ है। जब भी इंडिया में आएगा मैं फिर इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। ऑलमोस्ट इंडिया में जो चाइना में लॉन्च हुआ है वही फोन आता है, बस उसका OS वहां पे कलर OS रहता है चाइना में, और इंडिया में ऑक्सीजन OS होकर आता है। तो यहां पे बात करते हैं कनेक्टिविटी की। इसमें 5G तो है ही, और ब्लूटूथ 5.4 है, और वाईफाई 7 का सपोर्ट मिलता है, और NFC भी है। कनेक्टिविटी के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार अभी बात करते हैं कैमरास के बारे में। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप लेंस है, जो कि 120x तक जूम हो जाता है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अगर आप लोग वन प्लस 12 का वेट कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आईकू 12 ने काफी ज्यादा अग्रेसिव प्राइस रखी है, अगर वन प्लस 12 भी उसी प्राइस रेंज में आता है तो काफी अच्छा फोन हो सकता है। वन प्लस थोड़ी सी हायर प्राइस ही रखता है, जो कि 55,000 के ऊपर ही होगा। आईकू ने जैसे अंडर 50,000 रखा है वैसे तो नहीं होगा। एंड आईकू में हमें एक एडिशनल चिप भी मिलती है, Q1 चिप, जिससे गेमिंग में काफी ज्यादा हेल्प होती है। अगर आपको प्रॉपर गेमिंग ही करनी है तो आप आईकू 12 ही ले सकते हो, जो कि काफी अच्छा सेंस बनाता है गेमिंग में। अगर आपको एक ओवरऑल फोन चाहिए जो कि अच्छी खासी गेमिंग भी करवा दे, अच्छा खासा कैमरा भी, और वन प्लस का ब्रांड नेम भी तो थोड़ा सा है, तो ये सारी चीजें कंसिडर करके अगर आप वन प्लस ही लेना चाहते हो तो आप रुक सकते हो। इंडिया में भी वन प्लस 12 बहुत जल्दी आ जाएगा। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आपका फेवरेट फोन कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कौन कौन वन प्लस 12 के लिए वेट कर रहा है वो भी बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।